सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारी आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप फ्री में जो है कि 1 TB तक स्टोरेज लेना चाहते हो, आज के इस वीडियो में बताऊंगा ये आपको कैसे मिलेगा, इसमें आप कैसे अपने फोटो वीडियो जो भी आपको अपलोड करना है वो कैसे आप अपलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर ये लाइफ टाइम फ्री है, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको जो 1 TB जो स्टोरेज मिलेगा वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा, इसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप गूगल फोटोज़ या गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो तो वहाँ पर जो कि 15 GB आपको स्टोरेज मिलता है और वो भर जाता है। अगर आप गूगल ड्राइव पर अपलोड करो या फिर गूगल फोटोज़ पर, तो वो भर जाता है जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आपको एक जीमेल पे सिर्फ 15 GB ही मिलता है। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ जिसमें 1 TB तक आपको स्टोरेज फ्री में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस करना। सो फ्रेंड्स, अभी जो है कि मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें आपको 1024 GB फ्री में मिल रहा है लाइफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पर इस ऐप को मैंने खुद यूज किया, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया, इसको मैंने 8 GB तक इसमें भरा अपना डाटा, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक कहाँ पर, क्या नाम है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो के स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐप ओपन होता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे साइन अप फॉर एन अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, फिर आपको यहाँ पे साइन अप विथ गूगल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना कोई एक ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका ज़्यादा फेवरेट हो, जो आपका मतलब जिसका पासवर्ड वगैरह याद रख सकते हो, जो आपका चलता हो, जिसपे और भी बहुत सारे अकाउंट्स हो, ताकि आपके यहाँ पे जो जीमेल आईडी आप सिलेक्ट करोगे उसी पर ही आपका डाटा जो भी रहेगा वो सब उसी पर अपलोड होगा, ठीक है, फोटो वीडियो जो भी आप अपलोड करने वाले होगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैं एक अपना जो है कि सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपना जीमेल आईडी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर अब आपको यहाँ पर इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और फिर आपको यहाँ पर गोइट के ऊपर क्लिक करना है, और इसको यहाँ से आपको परमिशन दे देना है। जैसे आप यहाँ पे इसे परमिशन देते हो, उसके बाद फिर आपको इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप के ऊपर क्लिक करना, फिर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल दिखता है जीमेल का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने ये जो ये GB जो है वो कितना भर लिया। यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर 1024 GB आपको टोटल मिलता है, जिसमें से अभी मेरा 0 भरा हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसके पहले जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरा दूसरा ईमेल आईडी, और यहाँ पर जो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ इसके लिए मैं दूसरा यूज़ किया हूँ, ताकि आपको नए तरीके से अच्छे से समझा पाऊँ। मेरा उसमें ऑलरेडी अकाउंट बना था, तो वहाँ पर मैं लॉगिन करना पड़ता और आपको यहाँ पर साइनअप करके मैंने इसलिए दिखाया कि आप पहली बार जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। फिर आप यहाँ पर देखोगे अपलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपको अपलोड्स के ऊपर आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बैकअप लिया जा रहा है, जितनी मेरी फोटो वीडियोस हैं वो सब यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है ऑटोमेटिक। अब हम यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके मैनुअल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर अब आपका यहाँ पर जो है कि इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी फोटोज़ वगैरह वो सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन मिलती है। यहाँ पर क्लिक करके अगर आपके SD कार्ड में, तो आप यहाँ पर SD कार्ड से भी वो अपना फोटो वीडियो MP3 जो भी आप अपलोड करना चाहो आप अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद इसके अंदर मेरी बहुत सारी फोटोज़ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि इसके अंदर मैं आ चुका हूँ, और मान लीजिए ये वाला अगर फोटो मुझे अपलोड करना, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये फोटो आप देखते हो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है कि आप इस ऐप से जो है कि बहुत सारा जो भी आपका डाटा है वो सारा का सारा आप इसमें अपलोड कर सकते हो, और ये लाइफ टाइम फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है कि 1 TB फ्री मिलता है लाइफ टाइम के लिए। अगर आप 2 TB लेना चाहते हो, यानी अगर स्पेस आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 TB बहुत हो जाता है, 1024 GB हो जाता है, बहुत सारे स्पेस है। इतना आपका मुझे नहीं लगता कि आप इसको भर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, ठीक है। आप इससे इसके अंदर आप भर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका मान लीजिए इन फ्यूचर कभी भर भी जाता, वैसे तो ये भरेगा नहीं इतनी जल्दी, मान लो अगर कभी भर गया, आपने बहुत सारा जो भी था आपने सारा कुछ अपलोड कर दिया, डाउनलोड वगैरह करके बहुत सारी फोटो वीडियोस आपने अपलोड किया और ये भर गया, तो ऐसे में आप दूसरे जीमेल अकाउंट से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब एक ईमेल पर आपको जो है कि 1024 GB मिलता है। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं इस ऐप को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ऐप को डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा rgtechnicalboy.com। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है rgtechnicalboy.com। लिखने के बाद इसको आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च करते हो, उसके बाद यहाँ पर जो कि एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देखते हो कुछ इस तरीके से आ चुके, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू सेट करता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करके, जैसे यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसको यहाँ पे मैं डेस्कटॉप से हटा लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे आरजी टेक्निकल बॉय, उसके बाद आपके सामने वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है,
और यहाँ पर आप लिख सकते हो अनलिमिटेड स्टोरेज, या फिर आप सिर्फ स्टोरेज लिख देना इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो स्पेलिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज लिख देना। जैसे आप स्टोरेज लिखोगे उसके बाद यहाँ पर ये आपको आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो फिर अब आपको इस आर्टिकल के सबसे लास्ट में आपको आ जाना है। यहाँ पर इस आर्टिकल में भी मैंने बताया कि आप इस ऐप को कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप आओगे आर्टिकल के एंड में आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो।